सो है गाइज, वेलकम टू माई चैनल और आप देख रहे हैं सजल टॉक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियोस में एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। तो आप लोग साइड में एक इमेज देख रहे होंगे, उसमें काफ़ी सारे इमोजीज बने हुए हैं। तो उस इमोजीज को देख के आपको एक सॉन्ग सोचना है अपने दिमाग में कि ये इस इमोजी में कौन सा सॉन्ग हो सकता है। तो आप उस चीज़ को सोच के आप मेरा वीडियोस के नीचे कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट सही होता है तो मैं अगले वीडियोस में आपका कमेंट मैं अपने वीडियोस में डालूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये इमेज सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर एक सॉन्ग है तो उसको आपको सोचना है। चलिए मैं इमेज को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये इमोजीज कौन सा सॉन्ग का हो सकता है तो उसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं लास्ट में इसका जो आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ कि ये जो इमोजीज है वो कौन सा सॉन्ग का हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक्स क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने जैसे कि अभी थंबनेल में देखा तो वो सही है, मैंने एक गलती कर दिया है, जो कि हम लोग को ये चीज़ ख्याल रखना है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो वीडियो आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि आप लोगों को पता ही होगा मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं डाल रहा था। तो उसका कारण काफ़ी सारे थे और एक कारण ये भी था कि मैं कुछ अलग टॉपिक्स पर काम कर रहा था, मैं अपने आप को और थोड़ा सा तैयार कर रहा था। तो उस वजह से मैं ये गलती कर बैठा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालना ही छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि मैं इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं वीडियोस यूट्यूब पर डालूँगा। तो उससे मेरा एक गलती ये हो गया कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरा ट्रैफिक कम हो गया। मेरा वीडियोज़ में जितना व्यूज़ आते थे उतना भी व्यूज़ अभी नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है। पहले मेरा आई थिंक एक दिन में 30 जो बिगिनर्स यूट्यूबर हैं, मैं भी एक बिगिनर हूँ, तो मेरा 30 तक जो व्यूज़ है वो आ जाता था, लेकिन अभी उतना भी नहीं आते हैं। अगर मेरा अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देखिएगा तो उतना भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ डिफरेंट है। और बिगिनर्स यूट्यूबर को अगर उसका वीडियो में एक भी व्यूज़ आ जाए ना, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बस इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आप उसमें कोशिश करिए कि रेगुलर रहने का। रेगुलर आप रहते हैं तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो बस यही आप लोगों को बताना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ता होगा, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और पॉजिटिव रहिए। ओ मैनू कारा कछ मार दूँ जाए।